Hello everyone, this is Ashwarya Kaushik. So today we are going to start with the new topic, that is Bayesian network. Bayesian network kya hota hai? Isko hum Bayes network bhi bolte hain. Isko hum Bayes network bhi bolte hain. Belief network bhi bolte hain. Isme kya hota hai ki ye Bayesian network ek directed acyclic graph hota hai, jiske nodes, iske nodes kya represent karti hain? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं किसमें? बेजन सेंस में, जो ऑब्जर्वेबल होती हैं, जैसे क्वांटिटीज होती हैं, वेरिएबल्स, लेटेंट वेरिएबल्स, अननोन पैरामीटर और हाइपोथेसिस। जैसे अब हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ कैसा होता है? जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ये हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। इसमें जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास इधर स्प्रिंकलर है, यहाँ पे रेन है और इधर ग्रास है। रेन आएगी, ये स्प्रिंकलर से कनेक्ट होगा, स्प्रिंकलर क्या करेगी? ग्रास को वेट कर देगी। जब स्प्रिंकल चलता है तो पानी फेंकता है और उससे ग्रास वेट हो जाती है, रेन से भी ग्रास वेट हो जाती है। तो ये हमारा होता है बेजियन नेटवर्क। ये इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करता है हर एक स्टेप में। ये बेजियन नेटवर्क, ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एम क्या होता है? हमारे पास पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एम, जो हमारा बुलियन वेरिएबल है। इसमें हमारे पास 2^m क्या होती है? 2^m एंट्रीज होती हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करती है। वन एंट्री फॉर ईच ऑफ द 2^m पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इट्स पेरेंट्स बीइंग ट्रू और फॉल्स। सिमिलरली ये आइडिया अप्लाई होता है जैसे अनडायरेक्टेड के लिए और पॉसिबली साइक्लिक ग्राफ के लिए। इसके अगर हमारे पास कभी एक अनडायरेक्टेड ग्राफ हो और साइक्लिक ग्राफ हो, ये हमारा साइक्लिक ग्राफ नहीं होता। अगर हमारे पास साइक्लिक ग्राफ हो, उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, वो होता है मार्कोव नेटवर्क। ये हम इसके लिए जो एसाइक्लिक और अनडायरेक्टेड होते हैं, हम उस पर ये वाला आइडिया अप्लाई करते हैं। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर हम एक और एग्जांपल लें, फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास विन लॉटरी, नेक्स्ट में हमारे पास रेन है, वेट ग्राउंड है और स्लिप। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेन से ग्राउंड वेट हो गया और ग्राउंड वेट से क्या होगा? एक ह्यूमन स्लिप हो सकता है। विन लॉटरी का कोई रिलेशन नहीं है इन तीनों से, तो ये सेपरेट होता है। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, एल आर डब्ल्यू, ये हमारी तीन वो होगी, एल फॉर लॉटरी, आर फॉर रेन, डब्ल्यू फॉर वेट ग्राउंड। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेंगे। पी वेट ग्राउंड से हमारे पास रेन आ सकती है, रेन से ग्राउंड वेट हो जाता है, तो हम इसकी डिवाइड कर देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी लें टोटल आर डब्ल्यू और एस, अब हम इन चार की प्रोबेबिलिटी लेंगे। इसमें क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले आ गई हमारे पास लॉटरी की प्रोबेबिलिटी, फिर रेन की अलग प्रोबेबिलिटी होगी, और हम ग्राउंड जो वेट ग्राउंड है अपॉन रेन से, ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और किसकी प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन होती है? स्लिप की वेट ग्राउंड से। और किसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? एस डब्ल्यू आर, ये तीनों कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। रेन, हमारे पास लॉटरी बिल्कुल अलग होती है, इसके लिए हम इसके लिए बेजियन नेटवर्क यूज़ करते हैं। सो ये हमारा था बेजियन नेटवर्क। ये कंप्लीट होता है, इसका एग्जांपल होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल कैलस बॉट। थैंक यू।